हेलो गाइस, मैं हुसैन, आप देख रहे हो मोटर फिलो। फाइनली गाइस जो है किया कैरेंस को अनवील कर दिया है किया ने। और किया को आप कितना ही कुछ करें कि सेफ्टी अच्छी नहीं है या कुछ ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो इनका इंटीरियर होता है ना गाइस, ये बिल्कुल क्लास लीडिंग होता है। और आई थिंक देखिए कुछ कंपनीज की कुछ चीज़ों में एक्सपर्टीज होती है, जैसे मारुति की इंजन्स में, होंडा के पेट्रोल इंजन्स में, लेकिन इनकी जो है इंटीरियर क्वालिटी में, तो इसलिए अपन इसको देखने वाले हैं। और ये एक एमपीवी है, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल इंटीरियर होने वाला है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट लुक जो इन्होंने दिखाया है, वो गजब है गाइस, गजब है। और आपको जो है बिल्कुल स्टाइलिश और प्रीमियम केबिन जो आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये टारगेटेड ऑडियंस जो रहेगी ना इसकी, थोड़ा सा जो है प्रीमियम सेगमेंट वाली कोई रहेगी। और ये बार बार जो है मेंशन कर रहे हैं कि एक अर्बन कार है, अर्बन कार है, मतलब ये प्रॉपर एसयूवी नहीं है, ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये एमपीवी है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले तो आपको देखिए 10.25 इंचेस का आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और जो किया का यूवो कनेक्ट वगैरह ये सब जो है देखने को आपको मिलेगा। स्टेयरिंग बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन न्यू किया की बैजिंग है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक सपोर्ट करता है। अगर आप सीट्स देखें तो हाइट एडजस्टेबल है, वेंटिलेटेड है। और उसके बाद अगर अपन डैशबोर्ड देखते हैं, डैशबोर्ड से जो सिल्वर लाइन्स जाती है इसकी डोर्स तक, वो बहुत ही कमाल लगती है गाइस। और आई थिंक बहुत ही कूल और बहुत ही प्रीमियम फील देती है सिल्वर कलर्स की जो है डैशबोर्ड की, इसकी जो पूरी ओवरऑल कनेक्ट होती है सीधे डोर से, बहुत ही स्टाइलिश लगती है। और आप जो डोर हैंडल्स भी देखें, वो भी आपको जो है सिल्वर कलर से देखने को मिल जाते हैं। अब जो स्क्रीन है ये लोअर वेरियंट्स में 8 इंचेस की हो जाएगी। इसमें आपको जो एम्बियंट लाइट्स देखने को मिल रही ना, अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पर्पल कलर है। इसमें आपको जो है 64 कलर्स मिलने वाले हैं, मतलब बहुत ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको छोटे छोटे जो है स्पेसेस यहाँ भी देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको कॉइन होल्डर देखने को मिलेगा, आप जो है उसमें परफ्यूम जो है ना माउंट कर सकते हैं, जो अपन रेगुलर बेसिस पे एसी वेंट में माउंट करते हैं ना, उसका पर्टिकुलर इसमें स्पेस है। और जो इसकी बटन्स है ये आपको जो है गियर लीवर के ऊपर देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस बीच में भी आपको जो है बटन्स देखने को मिलेगी, और काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम तरीके से इसको माउंट करा गया है। बिल्कुल भी थोड़ा सा आउट नहीं लग रही है, बिल्कुल जो है बढ़िया जगह पर लग रही है। और अगर आप एसी वेंट्स को देखें, उसके जस्ट नीचे आपको जो ऑटो क्लाइमेट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी बड़ा आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो सीट्स है, इसको जो कि आप बीच कलर कह सकते हैं, बिल्कुल बीच कलर में आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका फ्रंट होगा, टॉप होगा कार का, डैशबोर्ड ये थोड़ा ब्लैक सिल्वर, देन जो है बीच और सीट्स पूरी बीच कलर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर अपन देखें सीट्स के मिडिल में, तो आपको बढ़िया सा आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि यूनिक आर्मरेस्ट कहा जा रहा है, मतलब ये आगे पीछे और ऊपर भी होगा। तो ऐसे जो है फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो उसके पास आप देखें तो थोड़ा सा आपको स्पेस वहाँ भी जो है कप वगैरह होल्ड करने को मिल जाएगा हैंड ब्रेक के पास में। और अगर आप जो है इंटीरियर में देखते हैं सीट्स, तो वो भी काफ़ी स्टाइलिश और कूल लुकिंग लग रही है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्लियरली विजिबल है, तो इंजन के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप बाद में चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीन मेरे को लगी कि ये एमपीवी है, तो इनने हेडरूम बहुत तगड़ा रखा है गाइस, और बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है कि क्लास लीडिंग हेडरूम ये हो सकता है। बहुत बड़े बड़े मिरर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो मिडिल रो है इसमें बहुत गजब का आपको स्पेस मिलने वाला है। अब इसमें 6 और 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम लोग आई थिंक जो है इसको 6 सीटर प्रेफर करेंगे, क्योंकि कैप्टन सीट से और अल्कज़ार और सफारी के आने के बाद जो है कैप्टन सीट्स का थोड़ा सा जो है अब सेल्स बढ़ गई है। तो आपको इसमें कैप्टन सीट्स मिलेगी जो कि रिक्लाइन हो जाएगी, तो देखिए आप उसको नीचे कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको जो है आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब आर्म रेस्ट पे चीज़ें एंड नहीं होती है, आर्म रेस्ट के बाद जो है अगर आप देखें इसमें आपको फ्रंट में ट्रे भी मिलेगी। जी हाँ, इस जो मिडिल रो है ना उसकी सीट्स पे आपको एक ट्रे भी मिलेगी, वहाँ पे आप जो है फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, एक कप होल्डर भी मिलेगा। तो आपको जो है मिडिल रो में भी बहुत तगड़ा स्पेस ये प्रोवाइड करने वाले हैं। और 3 बॉटल ये होल्ड करेंगे डोर्स पे, जो मिडिल डोर्स है इसमें आपको 3 बॉटल होल्ड कर सकती है, तो बहुत बड़े बड़े जो आपको स्पेस डोर्स पे भी मिलने वाले हैं। और उसके बाद बात करूँ, पडल लैंप्स आपको मिलेंगे, बोस के स्पीकर्स मिलेंगे, 6 स्पीकर्स, और बहुत ही तगड़ा साउंड करते हैं, ये आपने जो है किया सेल्टोस सोनेट इनमें देखा होगा, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था गाइस एक छोटा सा इंटीरियर का वीडियो था, मैक्सिमम फीचर्स मैंने इसके कवर करे, कुछ अगर मिस होते होंगे तो आप मेरे को कमेंट से बताइए, मैं जो है आगे इसको कवर कर दूंगा। और होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।